आम आदमी पार्टी की सक्रिय नेता और ग्वालियर में महापौर को चुनाव लड़ चुकी रुचि गुप्ता के खिलाफ यूनिवर्सिटी थाना पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर मारपीट और धमकी देने की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है। एसपी राजेश सिंह चंदेल ने बताया कि 2 रोज पूर्व यूनिवर्सिटी थाने में रुचि गुप्ता और शोभा राणा के बीच विवाद हुआ था। रुचि गुप्ता की गाड़ी से शोभा राणा के बेटे की सड़क हादसे में मौत हुई थी। इसी सिलसिले में दोनों पक्ष यूनिवर्सिटी थाने पहुंचे थे, जहां दोनों के बीच मारपीट झगड़ा हुआ, जिसमें रुचि गुप्ता की शिकायत पर पहले शोभा राणा के खिलाफ मारपीट की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया था, तो वहीं अब दूसरे पक्ष की शिकायत पर रुचि गुप्ता के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले की जाँच एसपी द्वारा एडिशनल एसपी को सौंपी गई है। ये परसों झगड़ा हुआ था विश्वविद्यालय पे। एक्चुअली मैं इसमें 4 महीने पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक बच्चे की डेथ हो गई थी। उस बच्चे के परिवारजन भी थाने पे थे और जो नेत्री हैं ये भी वहाँ पहुँची थी, और उनका फिर आपस में विवाद और झटकी वगैरह की स्थिति बनी थी। इस पर इनके नेत्री के द्वारा पहले प्रकरण पंजीबद्ध करवाया गया था, और सामने वाला पक्ष भी जो महिलाएं थी उनका कहना था कि हमारे साथ भी इन्होंने धमकाया, हमारे बच्चे का कि इन्होंने एक्सीडेंट में डेथ हुई और उसके बाद इन्होंने हमको धमकाया, इसलिए तो मारपीट और धमकाने का एक प्रकरण उनकी तरफ से भी पंजीबद्ध किया गया। इस प्रकरण में एक जो घटनाक्रम आया था जिसके संबंध में इनका बताना था, उसके संबंध में एडिशनल एसपी साहब उसमें जांच कर रहे हैं विस्तृत, सीसीटीवी वगैरह फुटेज की, तो उसका भी निराकरण सारी चीज़ों का एक साथ करें।